देखिए बच्चों, कक्षा 9 मैथ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 6C। आज हम 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8। उसके पहले का 6ठा क्वेश्चन जो है हमने बता दिया था, 7वां जो है आपको लगा के ग्रुप पर सेंड करना है, समझ आ गया। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को जो है अपनी बुक से पढ़िए, मैं एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए, यदि दो समांतर रेखाओं को, यानी दो समांतर रेखाएं होंगी, उसको अगर एक तिरेक छेदी रेखा काटे, तो सिद्ध कीजिए कि एकांतर अंता कोणों के अर्धक समांतर होंगे। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सही से बिल्कुल पढ़िए, उसमें खुद आंसर निकल आएगा। यानी दो समांतर रेखाएं हैं, मान लो दो समांतर रेखाएं, एक हो गई AB और एक हो गई CD। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, यानी एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसको हमने नाम दे दिया L। तो समझ गया, जो क्वेश्चन कहता जाए बस वही करते जाइए। तो एक दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, तो सिद्ध कीजिए कि एकांतर अंता कोण, यानी जो कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। अब एकांतर कोण कौन से बन रहे हैं, अंता, एकांतर अंता ही होता है, क्योंकि एकांतर कोण जो होता है, यहाँ पर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एकांतर कोण है कि अंता कोण है, क्योंकि बहुत बच्चों के माइंड में ये चीज़ आ गई होगी कि एकांतर कोण का अर्धक कह रहा है कि अंता कोण का अर्धक कह रहा है। एकांतर अंता कोण, यानी एकांतर कोण जो होते हैं वो अंतय कोण होते हैं, समझ आ गया। और अंता कोण हो तो होते हैं, बस फर्क इतना है कि तिरेक रेखा के एकांतर कोण एक साइड होगा, दूसरा दूसरी साइड होगा, अंता कोण एक ही साइड होता है, समझ आ गया। तो एकांतर कोण ये जो कोण बन रहे हैं, एक ये कोण बन गया और एक ये कोण बन गया, एक हमारा ये कोण बन गया और एक ये कोण बन गया, तो एक ही कोण से सिद्ध कर दीजिए, दुई कोण से सिद्ध कर दीजिए, इसको लेने की जरूरत नहीं है कि जो एकांतर कोण बन रहे हैं उसके अर्धक, यानी अर्धक इसके कर दीजिए, ये इसका अर्धक ये हो गया, इसका अर्धक ये हो गया, तो इसके अर्धक जो हो गए ये समांतर होने चाहिए, ये तुम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसके जो अर्धक हैं, ये जो अर्धक है ये हो गया और ये हो गया, इसको समांतर सिद्ध करना है, समझ में आ गया। यहाँ पे नाम रख लीजिए PQRS, समझ में आ गया इतना सभी को। चलिए देखिए, तो क्या सिद्ध करना है, दिया क्या है, दिया है तुम्हारा कि AB समांतर CD, ये समांतर है, तिर्यक रेखा तुम्हारी हो गई L, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऐसे ही, तो उससे जो एकांतर कोण बन रहे हैं उनके जो अर्धक होंगे, अर्धक हो गया इस एकांतर कोण का, अर्धक हो गया PQ। एकांतर कोण कौन सा है, AQR, ये एकांतर किसके बराबर होगा, QRD के। तो इन एकांतर कोण के जो अर्धक हो गए, यानी PQ और RS, इसको क्या करना है, तुमको समांतर सिद्ध करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धक समांतर होंगे, ये समांतर जो है सभी को सिद्ध करना है, यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है तुमको PQ समांतर RS। इतना समझ में आ गया, ये तो तुम्हारा दिया हुआ है, ये समांतर ये तुमको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करोगे, चलिए लगाइए, देखिए कैसे सिद्ध करोगे, पता तो सभी को है, सभी लोग लगा लेते हो, बस थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो ज्यामिति में, लेकिन उसको सीखिए। देखिए, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये जो अर्धक है उनको भूल जाइए। तो इस टाइप से तुम्हारा फिगर बन रहा है, ये और ये एकांतर, ये दोनों एकांतर कोण हैं तो बराबर होंगे। आप देखिए, इस वाली रेखा को, इन दोनों रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है, ये दो रेखाएं जो हो गई उसको ये एक तिरेक रेखा काट रही है, यही एल वाली कह लीजिए, तो ये कोण, अगर ये कोण बराबर सिद्ध कर दो, ये कोण जो है बराबर सिद्ध कर दो, कैसे कोण बनेंगे, एकांतर ही बनेंगे। तो अगर एकांतर कोण सिद्ध कर दो तो ये सिद्ध हो जाएगा कि PQ RS के समांतर है, यानी इसके जो अर्धक होंगे वो
समांतर होंगे। समझ में आ गया, यानी जो अर्धक होंगे वो समांतर होंगे। तो इसको सिद्ध कर दीजिए। तो अब मतलब किससे तुमको, देखिए ये अर्धक जो हो गया कोण का समद्विभाजक बताया था हमने, कहा था उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो बहुत जगह काम आएगा, वही बार बार आ रहा है। देखिए जो समद्विभाजक हो गया ये, इसको जो ये किरण जो है समद्विभाजित कर रही है, तो इन कोणों को बांट रही है, दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर। और ये कोण अगर कहा जाए कि ये कोण जो होगा इस पूरे कोण का आधा होगा, या इसको कह सकते हैं ये कोण जो होगा इस पूरे कोण का आधा होगा। लेकिन तुमको मतलब किससे, सिर्फ इस वाले कोण से, इसमें इससे और इससे, इस वाले में इससे, बस इनसे ही मतलब है, क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि इन दोनों को अगर हम एकांतर सिद्ध कर दें तो ये पी क्यू आर एस के समांतर सिद्ध हो जाएंगी। समझा गया, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिरक रेखा काटती है तो तीन कंडीशन होती है, एकांतर कोण, संगत कोण ये बराबर होंगे, और अंतः कोणों का योग एक्सोसियंस होगा। तो इससे पहले मैं एक बता भी चुका हूँ वीडियो कि तीन में से कोई भी एक कंडीशन सिद्ध कर दीजिए, दिखा दीजिए, तो वो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। इतना समझ आ गया। तो देखिए यानी इनसे कोण से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं, इनसे रखिए। तो देखिए ये दो समांतर, ये समांतर रेखा हो गई, अगर हमने अर्धक को एक मिनट के लिए हटा दिया तो इस टाइप का तुम्हारा जो है फिगर बनेगा। तो ये कोण जो हो गए हमारे एकांतर हो गए, और ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे लिखिए, कोण ए क्यू आर, ए क्यू आर बराबर होगा क्यू आर डी, क्यू आर डी ये हो गए एकांतर कोण। सुना गया। अब ये एकांतर कब बनेंगे, जब ए बी सी डी के समांतर होगी। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लिया करें, जब ए बी समांतर सी डी और तिर्यक रेखा जो होगी हमारी एल है। सुना गया, ये एकांतर बन कैसे रहे, सबसे मेन चीज़ तो यही है। तो ये कब बनेंगे, जब ए बी सी डी के समांतर होगी। इतना लिख लिया। अब देखिए ये कोण जो हो गया, कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण जो होगा इस कोण का आधा है, किस कोण का, ए क्यू आर का। तो इसको लिख देंगे कोण पी क्यू आर, ये जो है ए पी ए क्यू आर कोण का आधा, ए क्यू आर, इसको समीकरण नंबर एक डाल लिया हमने। समझ आ गया इतना। अब इस वाले कोण को लेके इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इनको इनको सिद्ध करना, तो इस वाले से मतलब रखो क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस जो है किसका आधा हो गया, क्यू आर डी का, कोण क्यू आर डी। समझा गया, इतना समझ गया। इसको डालिए क्वेश्चन नंबर टू। इतना समझ में आ गया सभी के, देखिए ये समझ रहे हो, आधा और ये हाफ, ये बराबर, ये तो समद्विभाजक है, ये सब समझ रहे हो ना, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये सभी लोग पढ़ चुके हो। अगर कोई समस्या है तो समद्विभाजक वाला वीडियो देखिए, उसमें सब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये जो हो गया इस कोण का जो आधा हो गया, अच्छा एक चीज़ और बता दो, कन्फ्यूजन में हो जाते हो सभी लोग। देखिए जैसे मान लो समद्विभाजक कर रहा, ये हो रहा है जो किरण जो होता है समद्विभाजक कर रही है इस कोण का, तो ये मान लो पूरा हो गया 60, तो ये हो गया 30 और ये हो जाएगा 30। अगर ये निकालें इस, ये जो फार्मूला निकाल के रखें, यानी ये कोण जो हो गया पूरे कोण का आधा है, तो वही चीज़ वहाँ पर आ गई। समझ में आ गया, ये चीज़ पता है सभी को, पता होनी चाहिए। देखिए तो अब ये कोण निकल के आ गए, ये वाला कोण इस कोण का आधा हो गया, ये वाला कोण इस पूरे कोण का आधा हो गया। अब एक चीज़ ऊपर हम पहले लिख चुके हैं कि कोण ए क्यू आर बराबर है क्यू आर डी के, क्योंकि क्यू आर डी और ए क्यू आर ये समान एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण जब है तब ए क्यू आर की जगह पर हम क्यू आर डी भी लिख सकते हैं, या क्यू आर डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, ए क्यू आर। तो यहाँ पे क्यू आर डी जगह पर हम ए क्यू आर लिख देंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कोण क्यू आर एस बराबर एक बटा दो कोण ए क्यू आर, इसको समीकरण नंबर हमने डाल ली तीन। समझा गया। अब इक्वेशन वन और टू से, यानी फर्स्ट और नहीं टू नहीं थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड से यानी पहली और तीसरी समीकरण से क्या करेंगे, देखो आर एच एस जो है दोनों के बराबर हैं, तो एल एच एस भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण
एक तथा तीन से। ये RHS बराबर है तो LHS भी हमारे क्या होंगे बराबर, यानी कोण PQR बराबर कोण QRS, ये हमारा कोण बराबर सिद्ध हो गया, यानी PQR बराबर QRS ये दोनों कोण हमारे बराबर आ गए। अब ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये जेड बन रहा है, यानी एकांतर कोण है। ये बराबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण ये कब बनेंगे, जब पी क्यू आर एस के समांतर होगी और उसको एल जो है तीर्घ रेखा काटेगी, तब ये कोण एकांतर कोण बनेंगे। तो बस यही सिद्ध करना था, यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि ये एकांतर कोण हैं जब पी क्यू समांतर आर एस होगी, जब पी क्यू समांतर आर एस है। बस समझ में आ गया, बस यही तुमको सभी को सिद्ध करना था, तो यही सिद्ध होके निकला आया, यानी पी क्यू आर एस के समांतर हो गए। तो समझ में आ गया सभी को, तो सभी बच्चे जो है ये नोट करें और क्वेश्चन को लगाएं, समझें, अगर कोई समस्या हो रही हो तो बताएं, उसका समाधान होगा। और इसके आगे का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, वो लगा के सभी बच्चे ग्रुप पर सेंड करेंगे। थैंक यू।